लाइन मिटा दिया, नहीं मिटाई आप लोगों ने? मिटा दिया, मिटा दिए। पीपीओ अटक ने चैलेंज किया था कि आप अटक का पुल नहीं क्रॉस कर सकते, उधर आपने 23,000 एहलकार खड़े किए हैं और पख्तूनों ने पंजाबियों ने मिलके 27,000 के उधर 27 मिली जोड़े पुलिस वाले। मुझे तो डीपीओ पे तरस आ रहा है कि इतनी बड़ी बर्की आपने मारी है, बाद में आप निकले क्या? ये इमरान का शेर है, ये तूफान आंधी गोलियां नहीं देखते, ये सिर्फ देखते हैं इमरान खान को देखते हैं। हमारी मंडल डी चौक है और डी चौक में जाकर बताएंगे कि हमारा जो मुतालबात है वो पूरा करेंगे। सबसे पहला मुतालबात हमारा जो मेल है खान साहब की रिहाई है, तो इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई होने वाली है। बहुत शुक्रिया। अभी आप ये देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो आवाम बड़ी तादाद में इस वक्त कुछ मोटरसाइकिल पे, कुछ गाड़ियों पर है और कंटेनर के बिल्कुल साथ साथ पड़ती आ रही है। अगर ऊपर से बिल्कुल मेरा कैमरा मैन अगर दिखाए तो आवाम को जरा बताए कि कितनी हद निगाह आपकी जान निगाह जाती है। आवाम ही आपको आवाम दिखाई देगी, इस तरह देखिएगा इमरान खान के जानिसार आपके सामने, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बच्चे पूरे इस वक्त सब एकदम होकर आगे चलता चला जा रहा है। सर आखिरी आप सर से सवाल है, सबसे करो कोई किसी किस्म का भी डर खोप आपको? पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगाज शिक्षा के सलाम। मैं इस वक्त 26 नंबर के बिल्कुल पास हूँ। जितनी शेलिंग यहाँ पर हुई है मैं आपको बता नहीं सकता, आवाम यहाँ पर मौजूद है, उसने एक इकट्ठे होकर अब चलने का सहारा लिया है। आवाम आप मेरे सामने देख सकते हैं 26 नंबर के पास जो इस वक्त तैयारी कर रही है, इतना से हमने आगे जाना है। लेकिन हालात ये हैं कि 26 नंबर पे तो शेलिंग कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब भी उन्होंने क्या कहते हैं अपनी चौकियाँ बनाई थी संजानी तरनौल, उससे पहले जहाँ पर हम थे हकला में, वो सब चीज़ें बहती चली गई और जैसे जैसे उन्होंने ये कुछ भी नहीं आगे कुछ वही कि जब वो आए आगे आवाम ने वो सारी चौकियाँ इनकी फतह कर ली। अभी एक भाई ऊपर आप देख सकते हैं वो सबको इकट्ठा कर रहे हैं कि ये इकट्ठा होंगे तो फिर वो आगे लेके जाएंगे। आप सारे वो सामने वो बात कर रहे हैं, वो हम उनको दिखाइए। हमें 200 में तकसीम होना पड़ेगा, एक टोली इस रास्ते से लोगों को उनको एंगेज करेगी और एक उस रास्ते से एंगेज करेगी, लेकिन हमारे पास फ्रंट लाइन पे गुलेलों वाले और डंडे वाले होंगे तो तब हम उनको एंगेज कर सकते हैं। मतलब था दे अखुई बमुंगा जेनी तौर बंदी इंगेज को निम खलक बसी द लड़सी और निम खलक बदी दो कुसु बंदी लड़सी शाह तने बेरा गिर की तो आग मलकरी बो मख कीजी चा सरची मास्क डंडा दरमियान में कंटेनर और इसरा सामान लिंदी बिंदी पूरी या खलक। इस वक्त देख सकते हैं कि दो तरफा लोग हैं और एक बंदा उर्दू में बात करके आवाम को मोबिलाइज कर रहा है, दूसरी तरफ जो उर्दू नहीं जानते पख्तूनों में वो उनको मोबिलाइज कर रहा है और ये प्लानिंग हो रही है किस तरह से हमने उनकी चौकियां फतह करनी है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि चारों चौकियां उन्होंने फतह की है। भाई यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा पीछे दूर जाना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए। आवाज नहीं आ रही, मेरे अकेले की आवाज आपसे ऊंची है। इंशाल्लाह नारा मारते हैं उसके बाद 200 में तकसीम हो जाते हैं, ये वाली इस साइड से, ये वाले लोग आगे की तरफ और इससे साइड वाले नीचे की तरफ। नारा तकबीर, सब हाथ उठा के जोश के साथ नारा तकबीर। नाज़रीन-ए-किराम आप हालात देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आऊंगा, आप देख सकते हैं आवाम इस वक्त बिपरी हुई है और वो कह रही है हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हालात हैं इस वक्त, मैं 26 नंबर पे मौजूद हूँ। आवाम इस वक्त जिस जंग में पठान आएगी ना, ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, वो आपको पाटा याद दिलाएगी। हम 11 बॉर्डर क्रॉस यूरोप जाते हैं, ये इस्लामाबाद 32 किलोमीटर है, हम इसे कब्जे में पकड़ेंगे।
शाबाश शरीफ, ये तेरा बाप का मुल्क नहीं है, ये सरदारी ये तेरा बाप का मुल्क नहीं है। 6 साल का बच्चा इस कुर्सी में बैठा दो, इसी को पता चलेगा, बाकी ये बंगाली को पता नहीं चलेगा। ये पीके अलियामीन गंडा पुराने वाला है। ठीक है, अगर आप देखें आवाम नीचे उतर चुकी है और आवाम नीचे उतर के नाज़रीन किराम वो इस वक्त जा रही है। मैं इस वक्त बड़ी लाइट नहीं जला सकता क्योंकि इस वक्त वो पीछे से घूम कर आएंगे, लेकिन जब तक मैं आपको भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा उस वक्त तक हो सकता है 26 नंबर किला फतह भी हो चुका हो। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम और मैं आपके साथ साथ बना रहूंगा ताकि आपको आवाम चलते रहे, आगे चलते रहेंगे। ड्रोन कैमरे जो है नाज़रीन किराम वो चला रहे ताकि